जिसमें यू कैन परफॉर्म रैबिट आई एक्सपेरिमेंट, यू कैन परफॉर्म फ्रॉग्स ईसोफेगस एक्सपेरिमेंट, फ्रॉग्स हार्ट एंड बायोएसी ऑन गिनी पिग इलियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, और यहाँ पे बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हिस्ट्री पार्ट ऑफ एनिमल्स दिया हुआ है, देन सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सर्टेन इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म करना हो तो देर इज़ अ क्विट बटन, उसको उसके थ्रू आप बाहर आ सकते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है सबसे पहले आप उसकी पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। आज हमें करना है रैबिट आई एक्सपेरिमेंट, तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको इस रैबिट की पिक्चर को क्लिक करना है। रैबिट को क्लिक करने के बाद आपकी कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आपको एक रैबिट दिखाई देगा और ऊपर लिखा होगा इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन रैबिट आई। फिर आपको यहाँ पर कुछ बटन दिखेंगे जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। देन एक ट्यूटोरियल बटन है जिसमें कि आपको प्रॉपर पूरा ट्यूटोरियल करके देखना है, डेमोंस्ट्रेशन इसी के अंदर आएगा। एंड देन देयर इज़ अ एग्जिट बटन, अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो इसके थ्रू आप बाहर आ सकते हैं। एग्जामिनेशन मोड जो है वो इस एक्सफार्म प्रो में अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हम चलेंगे, सबसे पहले हम ट्यूटोरियल बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये ओपन हो जाता है रैबिट आई का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखी हुई है सर्टेन डायरेक्शंस, लाइक इंस्टॉल ड्रग्स वन बाय वन एंड ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन रैबिट आई, टैबुलेट द डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन। उसके बाद में आपको कुछ हेल्प की चाहिए तो आप इंस्ट्रक्शन बुकलेट पे जाके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये है रैबिट वन। रैबिट वन का ये पार्ट है लेफ्ट आई वाला पार्ट, जो कि जिसका एनलार्ज्ड व्यू ऑफ आई यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये है राइट आई ऑफ रैबिट जिसका कि एनलार्ज्ड व्यू यहाँ दिख रहा है। साइड दोनों आईज के साइड में दो रूलर्स दिए हुए हैं जिससे कि आप पिपिल का साइज मेजर कर सकते हैं। लेफ्ट आई के नीचे आपको यहाँ पे इंट्राक्यूलर टेंशन मेजर है, जैसे कि यहाँ पे एन का मतलब है नॉर्मल, एल मतलब लोअर साइड एंड एच मतलब हायर साइड इंट्राक्यूलर प्रेशर। राइट साइड में भी सिमिलरली नॉर्मल, लोअर एंड हायर साइड ऑफ इंट्राक्यूलर प्रेशर जो है वो मेंशन है। नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में मेंशन है ड्रग्स, यहाँ पे आपको पूरा एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स दिया हुआ है जो जो आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल ड्रग, तो जो भी ड्रग आपको डालना है उसके लिए आपको ये बटन क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके टूल्स आर देयर टू मेजर द रिफ्लेक्सेस। तो हमें मेनली चार पैरामीटर रैबिट आई एक्सपेरिमेंट में देखने होते हैं। ड्रग इंस्टॉलेशन के बाद में आपको रूलर की हेल्प से पिपिल का साइज मेजर करना है। यहाँ नीचे आप इस एक्सपेरिमेंट में इंट्राऑक्युलर प्रेशर जो कि सेकंड पैरामीटर है वो मेजर कर सकते हैं। देन थर्ड पैरामीटर दैट इज कॉर्नियल रिफ्लेक्स, यू कैन चेक पाया वाया कॉटन वूल। एंड फोर्थ पैरामीटर इज पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स विच कैन बी चेक वाया दिस टॉर्च। और फिर यहाँ पे एग्जिट है जिसमें अगर आप न्यू रैबिट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से न्यू रैबिट सेलेक्ट होगा। यहाँ से आप अपनी टेबल पे जाके जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, जो भी आपने ड्रग इंस्टॉल किए हैं, उसके पैरामीटर्स एंड डेटा एंड ऑल लिख सकता। नेक्स्ट पे जाएंगे अगर इस बटन पे, तो यहाँ पे आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि रैबिट आई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लेफ्ट आई होती है उसे हम हमेशा कंट्रोल की तरह सर्व करते हैं, यानी कि इसमें यूजुअली नॉर्मल सलाइन ही इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद में राइट आई के अंदर हम जो है वो ड्रग इंस्टॉल करते हैं, और फिर नॉर्मल के कंपैरिजन में राइट आई को हमेशा चेक किया जाता है। तो यहाँ से हम ड्रग सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहली ड्रग है एपिनेफ्रिन, मैंने ड्रग सेलेक्ट किया है। फिर हम प्रेस करेंगे इंस्टॉल बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आप यू कैन सी हमें लेफ्ट आई पे सिलेक्ट करना है या राइट आई को। तो लेफ्ट आई हमेशा कंट्रोल आई होती है जिसमें कि ड्रग नहीं डाली जाती, राइट आई हमेशा टेस्ट आई होती है जिसके अंदर कि हमें ड्रग को इंस्टॉल करना है। तो मैं राइट आई को क्लिक कर देती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये राइट आई के अंदर हमारा ड्रग इंस्टॉल हो गया है। तो एपिनेफ्रिन डालने के बाद में पिपिल का साइज जो है अगर कंपेयर करें लेफ्ट के कंपेरिजन में तो थोड़ा बढ़ गया है। चलिए इसको मेजर भी कर लेते हैं। तो लेफ्ट आई के आगे रूलर लेकर आएंगे, सेंटर में बिल्कुल वर्टिकली थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको सेट कर लेंगे हम इस तरह से। यू कैन मेजर, अब यहाँ पे रूलर पे लिखा आ रहा है ड्रैग टू मेजर द पिपल साइज एंड वन डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। तो हमें यहाँ से मेजर करना है। सपोज ये वाला है तो यहाँ से 1 स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नियर अराउंड 6 mm का पिपल का साइज है जो कि नॉर्मल साइज है। अब हम मेजर कर लेते हैं राइट हमारा टेस्ट आई वाला पिपल साइज की कितना बड़ा है। तो इसको भी बिल्कुल सेंटर में रूलर को लेकर आएंगे हम ड्रैग करके, और फिर पिपल का साइज मेजर करेंगे। तो हम यहाँ से इस पार्ट से
काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 8.5. तो ये हमारा पिपल का साइज हो गया है आफ्टर एपिनेफ्रिन 8.5. तो इसको आप टेबल में नोट डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट पैरामीटर पिपल साइज, नॉर्मल आई 6 mm एंड टेस्ट आई और राइट आई दैट इज 8.5 mm. उसके बाद हम देखेंगे इंट्राओक्युलर प्रेशर. तो हमारा जो टेस्ट, जो हमारा लेफ्ट आई है, जो कंट्रोल आई है, उसमें बिल्कुल नॉर्मल है इंट्राओक्युलर प्रेशर. और यहाँ पे यू कैन सी इंट्राओक्युलर प्रेशर रिड्यूस होके लोअर साइड आ गया है. तो एपिनेफ्रिन से, जो हमारी ड्रग है एपिनेफ्रिन, उससे इंट्राओक्युलर प्रेशर रिड्यूस होता है. हमारे दो पैरामीटर हो गए पिपल साइज एंड इंट्राओक्युलर प्रेशर. थर्ड इज कॉर्नियल रिफ्लक्स, जो कि हम क्लिक करके लेंगे कॉटन वूल. तो सबसे पहले हम हमारी लेफ्ट आई के अंदर, नॉर्मल आई के अंदर चेक करते हैं. पीछे से हमेशा कॉटन वूल को लेकर आना है. उसका जो विस्प होता है वो कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन के ऊपर टच करना है. यू कैन सी हियर ब्लिंक आ रहा है, दैट मीन कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है. इसको आप किसी भी साइड से लाएंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है. फिर हम इसे लेके चलते हैं राइट आई की तरफ. अगेन पीछे से हम लेकर आएंगे, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन पर टच करेंगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट, क्योंकि ब्लिंकिंग हो रही है. सो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट, किसी भी साइड से लाएंगे कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट. तो टैबलेट कर लेंगे, नॉर्मल आई एज वेल एज राइट आई दोनों में हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है. इसको हम यही छोड़ेंगे. फिर हम हमारा दूसरा टूल लेंगे टू चेक द फोर्थ पैरामीटर, दैट इज प्यूपुलरी लाइट रिफ्लेक्स. सबसे पहले हम लेफ्ट आई में चेक कर लेते हैं. पीछे से लेकर आते हैं हमेशा. यू कैन सी पिपल का साइज छोटा हो रहा है लाइट लाने पे. फिर पीछे ले जाते हैं तो वापस से पिपल का साइज इंक्रीज हो रहा है. चेक अगेन, पिपल का साइज कंस्ट्रिक्ट होती है पिपल एंड देन अगेन वापस अपनी नॉर्मल साइज में. दैट मीन लेफ्ट आई के अंदर लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है. राइट आई की तरफ लेकर आएंगे. पीछे से हमेशा टॉर्च को लाना है. द रूम शुड बी डार्क इनफ कि आप उसको रिफ्लेक्स को अप्रिशिएट कर सकें. यू कैन सी हियर जब हम टॉर्च को कॉर्निया के ऊपर लेकर आते हैं, लाइट के ऊपर लेकर आई के ऊपर लेकर आते हैं, तो पिपल कंस्ट्रिक्ट होती है. और जब दूर लेकर जाते हैं तो पिपल वापस से डायलेट हो जाती है. सो दिस कंस्ट्रक्शन डायलेटेशन, दैट मीन योर लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट हियर. तो अगेन आप अपनी टेबल के अंदर लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों के अंदर लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट विद एपिनेफ्रिन. अब हम ड्रग को चेंज करेंगे. तो एवरी टाइम जब भी आपको ड्रग चेंज करना है, आपको एक नया रैबिट लेना है, सेम रैबिट के अंदर दूसरी ड्रग को इंस्टॉल नहीं करना है. तो यहाँ पे जो न्यू बटन दिया हुआ है इसको हम प्रेस करेंगे ताकि हमारा रैबिट जो है वो दूसरा आ जाए. तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है रैबिट नंबर 2. तो हमारा रैबिट चेंज हो गया है. तो वी विल इंस्टॉल द न्यू ड्रग. सेकेंड ड्रग हमारी है एट्रोपिन. अब हम देख लेते हैं एट्रोपिन का इफेक्ट. अगेन इंस्टॉल द ड्रग और किन किस आई में, राइट आई के अंदर. सो यू कैन सी हियर राइट आई के अंदर ड्रग इंस्टॉल हो गई है एट्रोपिन. एट्रोपिन से भी पिपल का साइज इंक्रीज हो गया है. ये नॉर्मल पिपल का साइज था. इसको आप चेक करेंगे तो अगेन 6 mm आएगा. अब हम हमारा पिपल का साइज रूलर को आगे लाकर फिर से चेक करेंगे. सो दिस इज, यहाँ से स्टार्ट हो गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो हमारा पिपल का साइज हो गया है 10 mm आफ्टर यूज ऑफ एट्रोपिन. अगेन रूलर को पीछे ले जाएंगे हम वापस से. अब हम हमारा दूसरा पैरामीटर चेक करेंगे, इंट्राओक्युलर प्रेशर. तो आप देख सकते हैं कि ड्रग डालने के ऊपर एट्रोपिन से कोई भी इंट्राओक्युलर प्रेशर में चेंज नहीं आया है. दैट मीन एट्रोपिन इंट्राओक्युलर प्रेशर पे उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है. फिर हम हमारा तीसरा पैरामीटर कॉर्नियल रिफ्लेक्स नॉर्मल आई में चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट. टेस्ट आई में चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट. तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट विद एट्रोपिन. फिर हम लेकर आएंगे हमारा लाइट टॉर्च से, प्रेजेंट इन टेस्ट नॉर्मल आई. एट्रोपिन के साथ में देख लेते हैं, नो इफेक्ट. दैट मीन लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट विद एट्रोपिन. तो आप अपनी टेबल में यू विल नोट डाउन दैट एट्रोपिन डालने के बाद में जो आपका लाइट रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो जाता है. अगेन यू विल टेक अ न्यू रैबिट फॉर अ न्यू ड्रग. एट्रोपिन के बाद हम लेंगे इफेड्रिन. ड्रग को इंस्टॉल करेंगे राइट आई के अंदर. ड्रग इंस्टॉल हो गई है इफेड्रिन से. यू कैन सी पिपल का साइज डायलेट हो गया. इफेड्रिन भी एक सिम्पथोमाइमेटिक है,
तो यहाँ पे पिपल का साइज डायलेट हो गया. अगेन यू विल मेजर द साइज ऑफ द पिपल, देन राइट नोट डाउन द साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5. तो पिपल का साइज हो गया 8.5 mm. नोट डाउन इन योर टेबल. अगर हम इंट्राओक्युलर प्रेशर देखें तो कोई चेंज नहीं है इंट्राओक्युलर प्रेशर के अंदर. हम चेक करेंगे हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन नॉर्मल आई एज वेल एज प्रेजेंट इन टेस्ट आई. तो हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है एफेड्रिन के साथ में. लाइट रिफ्लेक्स चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट इन लेफ्ट आई, प्रेजेंट इन राइट आई एज वेल एज. तो आप अपना टेबल में उस चीज़ को मेंशन कर लें. अगेन नेक्स्ट ड्रग के लिए न्यू रैबिट, रैबिट नंबर 4, विल चेक द ड्रग फाइजोस्टिगमिन विच इज़ अ कोलिनर्जिक ड्रग. इंस्टॉल द ड्रग इन राइट आई में ड्रग इंस्टॉल हो गया एंड यू कैन अप्रिशिएट कि पिपल का साइज छोटा हो गया. अगेन वी विल मेजर द साइज ऑफ द पिपल. यहाँ से मेजर करेंगे 1, 2, 3 and 4. तो हमारा पिपल का साइज घट के हो गया है 4 mm, जो कि नॉर्मल था 6 to 6.5 mm से, अब हो गया है वो 4 mm. अगेन हमारा सेकेंड पैरामीटर हम चेक करेंगे, दैट इज इंट्राक्युलर प्रेशर. यू कैन सी ये फाइजोस्टिगमिन से इंट्राक्युलर प्रेशर कम होता है और इसीलिए फाइजोस्टिगमिन का यूज़ ग्लॉकोमा के अंदर होता है. फिर हमारा तीसरा पैरामीटर भी चेक कर लेते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन लेफ्ट आई, कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन राइट आई. तो फाइजोस्टिगमिन के साथ में कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है. लाइट रिफ्लेक्स चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट इन लेफ्ट आई, प्रेजेंट इन राइट आई एज वेल एज. तो कॉलिनर्जिक ड्रग से कभी भी जो हमारा लाइट रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट नहीं होता, तो ये भी प्रेजेंट है. अगेन एक नया रैबिट लेते हैं फिर से. अब हमारी दूसरी ड्रग चेक करते हैं और ये है लिग्नोकीन. लिग्नोकीन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है. राइट आई में इंस्टॉल करेंगे, पिपल के साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया. इसको अगेन आप रूलर से चेक कर सकते हैं साइज, तो दोनों का 6 mm आपको साइज मिलेगा. अगर आप इंट्राक्युलर प्रेशर चेक करेंगे तो वो भी कोई चेंज नहीं आया है. फिर हम हमारा तीसरा पैरामीटर कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, लेफ्ट आई के अंदर प्रेजेंट है, राइट आई के अंदर, किसी भी साइज से आप लेकर जाएंगे तो ये आपको कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट है, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है ये लिग्नोकीन, इसमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है. हमारा फोर्थ पैरामीटर चेक कर लेते हैं, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन लेफ्ट आई, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन राइट आई. तो लिग्नोकीन से लाइट रिफ्लेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम फिर से देख लेते हैं हमारा न्यू ड्रग. तो न्यू रैबिट, रैबिट नंबर 6, और न्यू ड्रग में अब बचा है सिर्फ सलाइन. तो सलाइन जब आप डालेंगे, इंस्टॉल द ड्रग इन राइट आई एंड यू कैन अप्रिशिएट ऑल द पैरामीटर्स आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ सलाइन. बोथ द साइड्स पिपल साइज आर नॉर्मल एंड इक्वल, इंट्राक्युलर प्रेशर नो चेंज, कॉर्नियल रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट इन लेफ्ट आई, कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन राइट आई एज वेल एज विथ नॉर्मल सलाइन. And if we see the light reflex present in left eye and present in right eye. So this was the normal saline. तो इस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है. सारी ड्रग्स को 1 by 1 राइट आई के अंदर डाल के चेक करना है, सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं, टेबलेट करना है उनको, और हर बार अगर आपको नई ड्रग इंस्टॉल करनी है तो आपको न्यू रैबिट लेना है. सिमिलरली मैं आपको एक और दिखा दूँ कि अगर आप नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स फॉर देम. इफ यू वांट टू रिटर्न बैक टू योर एक्सपेरिमेंट यू कैन रिटर्न, और अगर वापस आपको बाहर जाना है देन रिटर्न.